डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आगे के सत्र में एक्सरसाइज 3.3 इसकी एक पूरी एक्सरसाइज आपको भेज दी है फोटोकॉपी लेके। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, वो आगे दे रखे हैं a छा b, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है a plus b का डैश बराबर a डैश plus b डैश। अब a minus b का डैश b डैश minus b डैश, इसको हम आप करके दिखाते हैं। वो वाला सेकंड पार्ट आप स्वयं करेंगे। तो इसकी एलएचएस साइड ले लेंगे, एलएचएस a plus b का डैश, पहले दोनों आदमी को हमको ऐड करना, ऐड कर दीजिए a, अब a को ऐड करेंगे तो a भी हमारा a है minus a, तो 3, 5, 7, 9 माइनस 2 1, और एक आदमी हमारा b है -4 + 1 - 5 = 0 - 3। इन दोनों आदमी को ऐड कर सकते हो, ऐड करने के बाद में इनका हमको डैश, कैसे ऐड करेंगे इनको, -1 - -4 - 5 2 + 1 = 3, 3 + -5 - 2, ऐसे इसको ऐड करेंगे 6, 9, 9 -2 + 1 - 1, 1 + 3 = 4, 1 + 1। अब इसका हमको डैश निकालना है, तो डैश का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, -5, 3 - 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 6, 9, 9, तीसरी रो तीसरा कॉलम -1, 4। ये एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस निकालते हैं, आरएचएस a डैश + b डैश। a डैश का मतलब हुआ a का परिवर्तन, a का परिवर्तन निकाल दीजिए तो a का परिवर्तन हो जाएगा -1 पहली रो पहला कॉलम, -1, 2, 3 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5, 7, 9 तीसरी रो तीसरा कॉलम, -2, 1, 1 + करना है एक पहली रो पहला कॉलम, -4, 1 - 5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करना है तो -1 और -4 - 5, 5 और 1 6, -2 और +1 - 1, 2 और 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 - 5 - 2, 9 0 9, 1 और 1 2। तो यहां हम देखेंगे जो हमारा a डैश प्लस b डैश है और a प्लस b का होल डैश, दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर, अतः हमारा सवाल ठीक हो गया। इसी प्रकार सेकंड वाला पार्ट है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दो आदमी दिए गए ए तथा बी आदमी के लिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश, उसको हम सिद्ध करेंगे कैसे, वो दो मैट्रिक्स है यहां पर ए और बी, तो पहले यहां पर ए और बी निकालेंगे, ए बी दो मैट्रिक्स की मान, इसी को हम कैसे करते हैं, ए माइनस का 4 3, ये पहली मैट्रिक्स है और दूसरी है -1 2। देखिए गुणा संभव है, इसका कॉलम और इसकी रो आपस में समान है तो गुणा संभव है। अब गुणा करेंगे, गुणा होती है रो इनटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी -1, पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि 2, पहली रो तीसरा कॉलम यानी 1, रो इनटू कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसी तरह यहां करेंगे तो इसकी से गुणा होगा 4, इसकी से गुणा होगी -8,
इसकी से गुणा होगी आएगा माइनस का 4। अब इससे इसको गुणा होगी 3 एकदम 3 माइनस का 3 आएगा 3 2 6 3 एकदम ये गुणा हो गई इनकी ए भी आ गई। अब हमको निकालना एबी का डैश। एबी का डैश क्या हो जाएगा? एबी का डैश ए बराबर इसको बदल देंगे पहली रो पहला कॉलम माइनस से 2 ए 4 माइनस 8 माइनस 4 इसका यहां हो जाएगा माइनस का 3 6 और 3 ये हमारे पहले के साइड में ए बी का डैश है। अब हमको इसका लाना है बी डैश की डैश तो पहले हम अपन बी डैश निकालेंगे तो बी डैश का मतलब होता है पहले आगे का फल बता बी डैश सॉरी ये बी डैश करना है बी डैश में क्या होगा पहली रो पहला कॉलम ये हो जाएगा माइनस ए 2 ए ठीक है। अब इसको लिखेंगे पहली रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी कि यहां पे ए हमारा हो गया बी डैश ए हो गया हमारा ए डैश। अब इसकी गुणा संबंध है इसका क्रम है 3 गुणा ए इसका क्रम है 1 गुणा 3 तो इसकी हम गुणा करेंगे गुणाक्रम वही होगा बी डैश और ए डैश बी डैश ए निकालेंगे तो देखिए गुणा कैसे होती है इसकी से गुणा होगा तो माइनस का ए इसकी से गुणा होगा तो 4 इसकी से गुणा होगा तो माइनस इसकी से गुणा होगा तो 2 इसकी से गुणा होगा तो माइनस 8 इसकी से गुणा होगा तो 6 इसकी से गुणा होगा तो 1 इसकी से गुणा होगा तो माइनस का 4 इसकी से गुणा होगा तो अब इसको देखेंगे ए दोनों आपस में समान है देख लीजिए माइनस एक चार माइनस तीन दो माइनस आठ छह एक माइनस चार माइनस तीन अतः ए बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। धन्यवाद। एक्सरसाइज 3.2 की फोटो भेज दी है उसके सवाल आप लोग हल करें जो सवाल ना लगे उसके लिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।